फॉरेन अफेयर्स, प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट्स, एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, अस्करी क़यादत, इन सब की नुमाइंदगी इस फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर थी। और हमने और इस सारी कमेटी ने, इनके मेंबरान ने और इन महकमों के अंदर जो अफसरान मौजूद थे, जो एक्चुअल हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने दिन रात काम किया। सबसे पहले ब्लैक लिस्टिंग अवॉइड की, और नंबर दो पे 34 नकात जो थे, जो एक्शन आइटम्स जो सबसे मुश्किल थे, क्योंकि पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्री में प्रोफाइल किया गया था। हमारा जो रिस्क प्रोफाइल बना था उसमें हम हाई रिस्क कंट्री थे, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन और हमारी दहशतगर्दी के साथ कुछ हिस्ट्री ऐसी वाबस्ता थी कि हमें हाई रिस्क कंट्री प्रोफाइल किया गया, जिसकी वजह से हमारे थ्रेशोल्ड्स बाकी तमाम ममालिक से ज़्यादा रखे गए। बहरहाल हमने लास्ट, ये जो अभी प्लेनरी गुजरी है, इससे जो गुज़श्ता प्लेनरी थी उसमें हम 34 में से 32 निकात मुकम्मल करने में कामयाब हो गए, और आखिरी जो दो निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उनकी भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी। और फैटफ की ये जो प्लेनरी आप मिली है, ये कवर करती है टाइम पीरियड कंप्लायंस का, अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021, यानी अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था उसमें जो कंप्लायंस हुई, वो अब जून की ये जो प्लेनरी हुई है उसमें उसका नतीजा सामने आया। और पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसर्रत की बात है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे हैं। बहुत ज़्यादा ये भी बात की जा रही है कि जी शायद अभी हम ग्रे से नहीं निकले क्योंकि ऑन साइट विज़िट है, बिल्कुल ये तवक्को के ख़िलाफ़ नहीं था। हर मुल्क, हर ज्यूरिसडिक्शन जो तमाम शराइत पूरी करती है फैटफ की, उसकी फिर फैटफ की टीम्स आके उस मुल्क का दौरा करती हैं, वो जो काम पिछले 3-4 साल में हुआ होता है उसको वेरीफाई करने के लिए और उसको फिज़िकली मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो ये बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक था, और ये एक फैटफ का प्रोसीजर तमाम ममालिक के लिए है कि जब वो निकात पूरे करते हैं तो वो टीम्स यहाँ आती हैं और उसको ऑन साइट विज़िट कहा जाता है। मुश्किल फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, और जो काम हमने किया है पिछले 3-4 साल में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और पाकिस्तान की मिसाल भी दी गई पिछले 1 साल के अंदर जब मुख्तलिफ प्लानरीज हुई, जहाँ पर यह कहा गया कि जिस तरीके से, जिस मुश्किल एक्शन प्लान को जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद किया है, वो सब के लिए एक मिसाल है। ये ज़रूरी क्यों था और इसका फ़ायदा क्या होएगा मुल्क को कि हमारा जो फैटफ का एक्शन प्लान है वो मुकम्मल हो गया है? पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है, और इंटरनेशनल बैन अलावी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। आपको याद होएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए पिछले 3.5 साल में हमारी हकूमत के, जिनका ताल्लुक फैटफ की कंप्लाइंस से था। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट किया गया, हज़ारों अफसरान की ट्रेनिंग की गई इसके अलावा, और ये फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो है वो अपग्रेड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो बैंक्स की मॉनिटरिंग करता है उसको अपग्रेड किया गया। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे करेंसी की जो स्मगलिंग के एतराज़ात होते थे उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। तो ये सारी चीज़ें, जो हमारी रिमिटेंसेज बढ़ी इस मुल्क में, जो बाहर से तरसीलात आती हैं उसमें भी फैटफ की जो हमने कंप्लाइंस की पिछले 3.5 साल में, उसका हाथ है। जब हम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी तो सिर्फ 19 अरब डॉलर की बाहर से तरसीलात आती थी रेमिटेंसेस की शक्ल में, जब हम छोड़ के गए तो वो 32 अरब डॉलर के करीब जा पहुंची थी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्रैकडाउन और इस सब का नतीजा है। इससे हमारी इकोनॉमी को, मईशत को डॉक्यूमेंट होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इसका असल हीरो जो है इस सारी करने का, वो अफसरान है जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हैं, जो फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बैठे हैं, जो FBR में बैठे हैं, जो कस्टम्स में बैठे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस का डायरेक्टरेट जनरल है, हमारी हसास अदारे जितने हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर बेहतरीन काम हुआ। हमारी जुडिशरी जो है उसने बड़ा बेहतरीन काम किया, जो नए कवानीन हमने लागू किए, जाहिर है उसको अदलिया ने फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि सिर्फ इस सिस्टम को पुट इन प्लेस करना
फैटएफ को सेटिस्फाई नहीं करता, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिए गए, नतज प्रोड्यूस करके दिए गए कि ये सिस्टम इन प्लेस किया गया, ये कानून इन प्लेस किया गया, ये सेल बनाया गया, ये महकमा बनाया गया, और अगले 4 महीने में 6 महीने में उसकी ये कारकर्दगी आई। पिछले 3.5 साल मुसलसल हमारे ये अफसरान ये कारकर्दगी दिखाते रहे, और अक्टूबर के अंदर तो बल्कि एक प्लेनरी में मजॉरिटी जो ममालिक थे उन्होंने वोट किया कि जो यूफोन डेली ऑफ पीक प्लस जिससे मिले जो हमारा एक्शन प्लान है वो मुकम्मल हो चुका है। जो पहला हमारा एक्शन प्लान था मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने वोट किया, लेकिन चंद कंट्रीज़ ने उसको वीटो कर दिया, लेकिन जो मेजॉरिटी थी फैटएफ कंट्रीज़ की वो अक्टूबर में ही हमें एक एक्शन प्लान पे कंप्लाइंट करार देना चाहती थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हमें अब अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक का जो पीरियड है उसमें जो कंप्लायंस हुई है उसकी बुनियाद पर जो आखिरी 2 एक्शन आइटम्स हमारे रह गए थे फैटएफ के वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, और अब हमने इस सफ़र को इंशाल्लाह ताला जारी रखना है। फैटएफ का एक डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट मौजूद है जहाँ पे काबिल अफसरान जो हैं वो मुस्तकिल इस चीज़ की नज़र रखेंगे। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के अंदर एक डिजिटाइज्ड सिस्टम मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे जो हमने बेनामी अकाउंट पकड़े हैं आपको शायद मालूम होगा उसमें फैटएफ की कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो फैटएफ की हमने सिस्टम्स पुट इन प्लेस किए थे उनके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा बेनामी अकाउंट्स जो हैं उनकी खोज लगाने में मदद मिली भी है और आइंदा भी मिलेगी। तो पूरे पाकिस्तान की ये जीत है, और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स और हमारे जो लीगल सिस्टम्स हैं उनकी जो ताकत है उनका जो उनके अंदर जो जिद्दत आवाई है उसका एक मैसेज गया है पूरी दुनिया को। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अब एक प्रोसीजरल ऑन साइट विजिट रह गया है इंशाल्लाह ताला ये भी स्मूथली हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं सलूट करना चाहता हूँ उन अफसरान को जिनका दर्जनों मिनिस्ट्रीज़ में दर्जनों इदारों के अंदर बैठे हैं जिन्होंने दिन रात एक की और बड़े टाइट टाइमलाइंस के अंदर उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। वो सिस्टम्स पहले इन प्लेस थे, सिस्टम्स इन प्लेस करना, कवानीन बनाना, फिर उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना और नतीजे प्रोड्यूस करना, ये एक आला दर्जे के जो हमारे अफसरान हैं जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म अपना दिखाया है यही हमारे पाकिस्तान के असली हीरोज़ हैं। बस ये आज मेरी गुजारिश आ रही है। भारत का रोल जो है इसमें बड़ा नेगेटिव है, उससे देखिए जी बिल्कुल हिंदुस्तान का रोल जो है इंडिया का रोल वो इसमें नेगेटिव रहा है, और मैं समझता हूँ और हमने इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया अभी कि किस तरह ये देखें ये एक टेक्निकल फोरम है जो FATF है, ये डिप्लोमेटिक फोरम नहीं है ना ही ये सियासी फोरम है, ये टेक्निकल फोरम है। और इसको पोलिटिसाइजेशन इसकी करना, इसकी अंदरूनी ख़बरों को बाहर लीक करना और लीक भी ऐसे करना कि एक अपना बीच में मिर्च मसाला लगा के, ये एक कैंपेन सिस्टमेटिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई गई। और मैं समझता हूँ कि भारत आज एक्सपोज हो गया है फैटएफ के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह उसने पोलिटिसाइजेशन की है पिछले 3.5 साल में। हम उसको एक्सपोज कर चुके थे पिछले 3.5 साल में कि एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनकी टीम्स का, और उन्होंने पाकिस्तान को साफ नज़र आता था कि इस टेक्निकल फोरम को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई। जब ये फैटएफ वाला मामला हुआ तो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट थी कि GHQ में एक अलग से कोर सेल कायम किया गया, तो ये बताइएगा उस कोर सेल का कितना बड़ा हाथ है पाकिस्तान को ये खुशखबरी देने में, क्योंकि एक बात तनाज़ा खड़ा हो रहा है और फिर कुछ जो सोशल मीडिया पे है वो कह रहे थे कि पाक फ़ौज को ये क्रेडिट नहीं जाता सिर्फ इमरान खान को जाता है, चूँकि आप इसे मोनिटर कर रहे थे और आपसे बेहतर कोई नहीं। देखिए इसमें हर इदारा जो है उसके अंदर एक डेडिकेटेड सेल बना था, FBR के अंदर भी डेडिकेटेड सेल था, कस्टम्स के अंदर भी डेडिकेटेड सेल था, हसास इदारों के अंदर भी डेडिकेटेड सेल्स बने थे जो जो चीज़ें कंप्लायंस की उनसे ताल्लुक़ रखती थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अस्करी क़यादत का भी बड़ा पॉजिटिव इनपुट रहा है और उनके साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रही है। तो ये पूरे मुल्क की फतह है, और सबसे ज़्यादा फतह जो है वो एक्चुअली उन अफसरान की है। और सफारती ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से भी वो कह रहे हैं कि ये हुआ है, तो इसके ऊपर बताइएगा कि असल क्या नूरी का भी इसमें कोई रोल है? नहीं देखें जो कंप्लायंस पीरियड अंडर रिव्यू था ना वो था अक्टूबर से लेके मार्च तक का,
इससे आगे फैटफ की प्लानरी ने नहीं देखा और इसकी अक्टूबर से लेके मार्च तक की जो रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इकतदार में अप्रैल के पहले हफ्ते में फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा भी हो गई थी। ये उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि फैटफ इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेता है अगर कोई ये कहे कि जी इसमें डिप्लोमेसी का या सियासत का हाथ है। ये एक टेक्निकल फोरम है और अगर उनकी ये बात फैटफ फोरम तक भी पहुंचेगी तो वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं उन्हें कहूँगा कि ज़रा मोहतात बयान दें। हो सकता है उन्हें प्रोसीजर्स का नहीं पता फैटफ के, लेकिन ये टेक्निकल फोरम है, ये कहना कि कोई डिप्लोमेसी का इस पर असर हुआ था ये फैटफ की अपनी गाइडलाइंस और मेथडोलॉजी के खिलाफ जाता है। जी जी, मैंने आपको जैसे बताया ना कि हमारे मुल्क में जो सरमायाकारी होती है नंबर एक, उसके अंदर इससे फ़रोग मिलेगा क्योंकि फैटफ जो है वो एक सिग्नल देता है इन्वेस्टर्स को कि इस मुल्क का जो फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम है वो रोबस्ट है और सेफ़ है। दूसरा, हमारे ताजर जो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वो उनकी बेशुमार ट्रांजेक्शन्स इंटरनेशनल बैंक्स के ज़रिए होती हैं, कन्फर्मिंग बैंक्स होते हैं और बेनिफिशरी बैंक्स होते हैं, उन सब को भी अब उन बैंक्स के साथ डील करने में कदरे आसानी आएगी। बैंक्स अब कम्फर्टेबल फील करेंगे उन पाकिस्तान के साथ। मैं आपको बताऊं, जो मुल्क ब्लैक लिस्ट में होते हैं ख़ास तौर पे, बैंकों का उनके साथ डील करने का जो SOP है वो फ़र्क होता है, उनसे ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, लेंथी प्रोसीजर्स होते हैं, TDS प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। पाकिस्तान अगर ग्रे से बाहर निकल रहा है तो ये पूरे आपके इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को, जो तजारत चलाता है उसको ये मैसेज जाता है कि आपका अब बैंकिंग सिस्टम सेफ़ और साउंड है और कोई भी बैन अलावी ममालिक जो हैं वो हमारे साथ डील करते हुए, ट्रांजैक्शंस करते हुए, रकूम भजवाते हुए, मुंतकली करते हुए या इन्वेस्टमेंट्स जो बैरून मुल्क की आती हैं या पाकिस्तान से बाहर जाती हैं वो करते हुए, वो अब ज़्यादा सेफ़ और कंफर्टेबल फील करेंगे। एक सिग्नल गया है बड़ा पावरफुल हमारे लीगल सिस्टम और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बाकी सारी दुनिया को, तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। और इन दीगर अफराद का नाम लेकर पाकिस्तान बड़ा डिफेंसिव पोजीशन में रहा, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो BLA और TTP की जो फंडिंग टैरिफ फाइनेंसिंग की जाती रही है इंडिया से, वो सबके सामने है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से उसकी हमारे से आवाज़ उठानी थी फैटफ में या आर्मी इदारों में, वो हमें कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस आपकी गवर्नमेंट भी नज़र नहीं आई, तो मौजूदा हुकूमत को आप क्या पैगाम देंगे, किस तरह से इसको मामले को आगे लेकर चलेंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जैसे ही हम ग्रे लिस्ट से निकलते हैं, मैंने ये टारगेट अपने टीम को दिया था जब मैं वहाँ पे था, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि इंशाल्लाह हम चंद दिनों में हम हफ्तों में निकल जाएंगे, हमारी टेक्निकल कंप्लायंस जो थी वो मुकम्मल थी। और ये मैंने फैटफ के प्रेसिडेंट को भी मिलके उनसे कहा था कि हम ग्रे लिस्ट से निकलते साथ हम FATF की बॉडी की मेम्बरशिप हासिल करेंगे। उस मेम्बरशिप हासिल करने का एक तरीक़ाकार है और उसकी एक मेथडोलॉजी है जिसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें उस तरफ जाना चाहिए। इंडिया मेम्बर है फैटफ का, और भी ममालिक जो हैं वो मेंबर्स हैं फैटफ के, मिडल ईस्ट के अंदर ममालिक हैं, क्योंकि अब हमारा सिस्टम कंप्लायंट हो चुका है और हम गुजर चुके हैं एक फ़ेज़ में से। जैसे अब रूस को देखें, रूस ग्रे लिस्ट में था, आज वो मेंबर है फैटफ का। हम जब फैटफ के मेंबर बनते हैं तब ही हम इस पोजिशन में आते हैं कि हम दूसरे ममालिक जो हैं अगर उनमें कोई दहशतगर्दी की फंडिंग हो रही है या कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं तो हम उनको पॉइंट आउट कर सकें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलते साथ FATF की मेंबरशिप जो है वो फौरी तौर पे हासिल कर लेनी चाहिए। इसका ये भी एक बड़ा पावरफुल सिग्नल जाएगा बाकी सारी दुनिया को, क्योंकि 40 के करीब ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो सिर्फ दुनिया में मेंबर्स हैं इसके, और हमें पाकिस्तान को जो दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है और एक उभरता हुआ इंशाल्लाह ताला मुल्क है, उसे FATF की बॉडी का परमानेंट रुकन होना चाहिए। कि आर्मी चीफ साहब का जब से ये रंजीम चेंज वाला मामला हुआ है तो उनकी जानिब बहुत ज़्यादा उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, तो आप स्पेसिफिकली नाम क्यों नहीं लेते कि ये क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी जाता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि पूरे पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है, उसके अंदर अस्करी की आदत भी शामिल है, अस्करी अफसरान भी शामिल हैं, सिविल अफसरान भी शामिल हैं और दर्जनों मिनिस्ट्रीज़ में बैठे अफसरान, यहाँ तक के सूबाई जो हमारे महकमे हैं उनमें बैठे अफसरान भी शामिल हैं। तो ये एक पूरे पाकिस्तान की फतह है और इंशाल्लाह ताला हमें अब इस सफ़र को आगे लेके बढ़ना है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में पाकिस्तान की बात की है तो अभी तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक से महरूम कर दिया गया है, तो वो जो है उसके हाँ ये देखें ना, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये मुल्क आपका चल रहा है
अस्करी उसके ऊपर, इसके आपका मुल्क चल रहा है, फॉरन जो रिमिटेंसेज आ रही हैं, ठीक है जी, और आपकी जो इस वक्त फॉरन रिमिटेंसेज आ रही हैं वो आपकी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। 30 अरब डॉलर की, 31 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है, 32 अरब डॉलर का आपका रिमिटेंस आ रहा है। और हमने उन जो लोग, जो हमारे मेहनती लोग घर से दूर जा के कुर्बानी दे के वो तरसीलात भेज रहे हैं जिससे ये मुल्क चल रहा है, उनको हम कह रहे हैं कि आप वोट नहीं दे सकते लेकिन आपने टैक्स देना है। तो ये मैं समझता हूँ बोग्स है जो हमारे मौजूदा हुक्मरान बैठे हैं, जो इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये इनके दिल में बोग्स है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे जो हैं ये अवेयर लोग हैं, बाहर के मुआशरे देख चुके हैं, और इसलिए ये इमरान ख़ान के ज़्यादा करीब हैं, तो उनको ये चीज़ हज़म नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये आर्जी चीज़ें हैं, ये ठीक कर लेंगे हम। मेरा नहीं ख्याल है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू जी।